चलो लास्ट का सेक्शन हमारा बाकी है, स्पाइनल नर्व्स का। इससे पहले हम क्रेनियल नर्व्स को डिस्कस कर चुके हैं। क्रेनियल नर्व में 12 नर्व्स हैं, उसमें से कुछ नर्व सेंसरी है, कुछ मोटार है, कुछ मिक्स्ड है। हमने उसकी कैटेगरीज भी देखी थी। सेंसरी किसको कह रहे हैं? जो ब्रेन तक इम्पल्सेस पहुँचाते हैं उनको हम कहते हैं सेंसरी। मोटार किसको कहते हैं? जो नर्व ब्रेन से लेके मसल तक मैसेज कैरी करते हैं उनको हम कहते हैं मोटार नर्व्स। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्स नर्व? जिसमें मोटार भी है और सेंसरी भी है, ऐसे दोनों टाइप के नर्व्स जिस फाइबर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं मिक्स नर्व। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में। ओके, तो स्पाइनल नर्व्स के टोटल कितने पेयर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है? टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। उसमें से पहले 8 जो है वो है C1 to C8, 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स ऑन ईच साइड ऑफ स्पाइन। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से स्पाइनल नर्व बाहर आते हैं, राइट? तो इसमें जो लोकेशन मेंशन की है उन्होंने, हमारे जो वर्टिकल कॉलम है उसमें से जो वर्टिब्रा है उनको नंबर दिया जाता है, C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8। अभी हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो पहला वाला रीजन है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन में जितने भी वर्टिब्रा प्रेजेंट है उनको नंबरिंग दिया है C1 to C8। तो यहाँ से जो नर्व निकलते हैं वो भी पेयर्स में, तो उनका भी नेमिंग उन वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग उन्होंने किया है। तो पहला पेयर है C1 to C8, दूसरा है 12 थोरासिक स्पाइनल नर्व। अभी आपके थोरासिक वर्टिब्रा देखो, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, 12 वर्टिब्रा में से 12 स्पाइनल नर्व बाहर आती है, उसके लिए उन्होंने नाम दिया है T1 to T12। तीसरा पार्ट है लंबार स्पाइनल रीजन। अभी लंबार रीजन से लंबार नर्व बाहर निकलते हैं, इसमें है L1, L2, L3, L4, L5। राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो इमेज दिख रही है उस पर आप कोरिलेट कर सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रा और उसके नीचे से निकलने वाले आपके स्पाइनल नर्व फाइबर। देन नेक्स्ट वन इज द सैक्रल स्पाइनल नर्व, इसमें से है S1, S2, S3, S4, S5। तो ये जो वर्टिब्रा है इनके थ्रू जो स्पाइनल नर्व निकलता है उनका नाम S1, S2, S3, S4, S5 है। एंड लास्ट वन इज योर 1 कॉक्सिजियल नर्व ऑन ईच साइड ऑफ कॉकिक्स। हमारे जो वर्टिब्रा कॉलम है उसका लास्ट वाला जो बोन का पोर्शन है उसको हम कहते हैं कॉक्सिजियल बोन, और वहां से जो नर्व निकलती है उसको हम कहते हैं कॉक्सिजियल नर्व। तो टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन मैं एक सोच रहा था कि ये कह रहे कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व बॉडी में प्रेजेंट है, उनको हमने डिवाइड कर दिया है सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबार रीजन, सैक्रल रीजन एंड कॉक्सिजियल रीजन, लेकिन पेयर्स की क्या जरूरत है? एक ही नर्व से काम नहीं चल सकता था क्या? लेकिन इसका आंसर ये है, हमारे राइट साइड को जो पार्ट है वही हमारे लेफ्ट साइड को है। हमें लेफ्ट साइड को एक हाथ है, राइट साइड को भी एक हाथ है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को बीच में से काट दे या एक लाइन खींच दे तो राइट हैंड को जो सिमेट्री है वही सिमेट्री हमारे लेफ्ट साइड को है। तो राइट पार्ट को कंट्रोल करने के लिए एक फाइबर काम करेगा और लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करने के लिए दूसरा फाइबर काम करेगा। इसके लिए हम कहते हैं कि जो भी स्पाइनल नर्व आपके बॉडी में अभी प्रेजेंट है वो पेयर्स में है ताकि वो दोनों बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर सके, ठीक है? तो ये था पहला सेक्शन कि हमारे बॉडी में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अभी प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट सेक्शन। तो पहला पॉइंट है सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, इनका क्या फंक्शन है? द सर्वाइकल स्पाइनल नर्व इनर्वेट्स द मसल्स एंड प्रोवाइड्स सेंसेशन फॉर द हेड, नेक एंड डायफ्राम रीजन एज वेल एज अपर लिम्स एंड बैक। तो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व आपको कहाँ पे मदद करेंगे? आपके हेड में जो मसल्स, हेड के नीचे जो मसल्स है नेक वाले, वहाँ पे उन्हें कंट्रोल करने के लिए। डायफ्राम आपके चेस्ट वाला रीजन, अपर लिम्स, अपर लिम्स का मीनिंग होता है हाथ। तो डायफ्राम, नेक, योर हेड एंड अपर लिम्स, इसके साथ जो भी मसल्स एसोसिएटेड है उनकी मूवमेंट अगर आपको करनी है तो आपको सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स मदद करेंगे। चाहे तो आप अभी नेक को रोटेट कर लो, नेक को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करो। ये क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। अगर आप हाथ को अभी उठा रहे हो, नीचे रख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? सर्वाइकल स्पाइनल। ये होता है फंक्शन कि हमारे स्पाइनल नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है वो कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है थोरैसिक स्पाइनल नर्व, दे आर इन्वॉल्व इन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स इन द हेड, नेक, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स का काम क्या है?
जो भी हमारे हेड रीजन में, नेक रीजन में, थोरैक्स रीजन में एंड ऑब्डोमेन रीजन में जो कुछ भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है या ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनका फंक्शन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स। एंड लास्ट थर्ड वन इज योर लंबार स्पाइनल नर्व्स। दे प्रोवाइड सेंसेशन टू द ग्रोइन एंड जेनाइटल रीजन। जो पर्टिकुलर ह्यूमन का जो भी ग्रोइन रीजन है, जेनाइटल रीजन है, उसका जो भी सेंसेशन है वो महसूस करने के लिए लंबार स्पाइनल नर्व्स मदद करते हैं। एंड दे मे कंट्रीब्यूट टू द मूवमेंट ऑफ हिप मसल, फ्रंट पार्ट ऑफ द थाई एंड इनर साइड ऑफ लोअर लेग। तो आपका जो लोअर बॉडी का पोर्शन है उसको जो टच हो रहा है उसके साथ आप जो मूवमेंट कर रहे हो वो सारा सेंसेशन किसके थ्रू आप समझ सकते हैं? लंबार स्पाइनल नर्व्स के थ्रू। नेक्स्ट वन इज योर सैक्रल स्पाइनल नर्व। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्ट ऑफ द सेंसरी परसेप्शन एंड द मूवमेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लोअर एक्सट्रीमिटीज माने आपके लेग्स, हिप रीजन। तो आपकी ये जो मूवमेंट हो रही है लोअर बॉडी की, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? एक तो लंबार स्पाइनल नर्व्स भी मदद करते हैं अलॉन्ग विद दैट सैक्रल स्पाइनल नर्व्स। एंड देन लास्ट पार्ट इज कॉक्सिजियल नर्व विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्किन दैट सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल नर्व। एक ऐसा पार्ट आपके स्किन के ऊपर अभी आप टच करोगे ना, तो ये टच आपको महसूस किसकी वजह से होता है? एक कॉक्सिजियल नर्व जो है वो आपके थ्रू आउट स्किन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ये आपको पेन, प्रेशर, टेम्परेचर इसको महसूस करने के लिए मदद करती है। अगर आप अभी स्किन के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच मार के देखो तो ये आपको जो सेंसेशन समझे कि हाँ मैंने कुछ तो टच किया है या नाखून से वहाँ पे स्क्रैच किया है, तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपके कॉक्सिजियल नर्व वहाँ पे एक्टिव है। अभी सोचो आपके बॉडी का कोई पार्ट काम करना बंद कर दे, फॉर एग्जाम्पल लकवा मार जाता है, हम उसको पैरालिसिस कहते हैं, हाफ बॉडी काम नहीं करती है, तो उस केस में क्या होगा? आपकी एक जो स्पाइनल पेयर है आपके पास 31 पेयर से राइट, उसमें से जो कॉक्सीजन नर्व है उसको हटा दो, टोटल कितने बचे? 30। इसमें से 15 वर्किंग है और 15 ने काम करना बंद कर दिया, तो इससे क्या होगा? आपकी आधी बॉडी काम करेगी लेकिन आधी बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। मतलब यहाँ पे आधे बॉडी का टच सेंसेशन अलॉन्ग विथ मूवमेंट पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा। सो आपके जो स्पाइनल नर्व्स है वो आपको ब्रेन से अवे जितने भी पार्ट्स है उनकी मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए मदद करते हैं। बस इतना ही आपके स्पाइनल नर्व्स का फंक्शन है। सो कंक्लूजन ऑफ आवर चैप्टर इज ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एंड सिंपैथेटिक डिवीजन। नाउ लुक एट द एक्शंस ऑन टारगेट ऑर्गन। इन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई। आपके आंखों का जो प्यूपिल साइज है वो कम हो जाएगा। देन इट विल स्टिमुलेट सलाइवरी ग्लैंड टू सिक्रीट सलाइवा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको सलाइवा सिक्रीशन के लिए मदद करेगी। देन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकाई इन द लंग्स। आपके लंग्स में जो भी ब्रोंकाई अभी प्रेजेंट है तो उनका कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मदद करती है। स्लो हार्ट रेट, इसके बारे में तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जनरली क्या होता है, जब भी आप तेज दौड़ोगे उसके बाद रुक जाओगे, तो हार्ट की एक्टिविटी हमें कम करनी है, तो वहाँ पे भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको मदद करती है। तो वहाँ पे कौन सा केमिकल रिलीज करना पड़ेगा? एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट है आपका इट विल स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यस, आपका एसिटाइल कोलिन आपके स्टमक रीजन में कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट करता है। And then it will stimulate the activity of pancreas. What is the function of pancreas? To release insulin. So parasympathetic division kya karegi? With the help of muscarinic receptor, acetylcholine release hoga aur pancreas ke upar jo insulin secreting jo section hai usko activate kar dega. To acetylcholine ki wajah se insulin activate ho raha hai. Lekin insulin kis mein present hai? Pancreas ke beta Langerhans cell mein present hai. Then it will stimulate your gallbladder. गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? बाइल को स्टोर करना। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? टू मिक्स वाटर एंड फैट्स। नेक्स्ट है इट विल प्रमोट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। ये हम पहले देख चुके हैं, जब भी मस्करेनिक रिसेप्टर आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर का मस्करेनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तब ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन माने यूरिनेशन में मदद होती है। देन इट विल प्रमोट इरेक्शन ऑफ जेनाइटलिया। मतलब जो जेनाइटल पार्ट का जो इरेक्शन है वो कंट्रोल करने के लिए आपको एसिटाइलकोलिन मदद करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनका सबका कोरिलेशनशिप किसके साथ है? मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ है। और मस्करेनिक रिसेप्टर को कौन एक्टिवेट करता है? एसिटाइलकोलिन।
दैट द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन. तो आप ये 6-7 पॉइंट्स लिख सकते हो. इसके अपोजिट होगा सिंपैथेटिक डिवीजन का. देखो पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई. सिंपैथेटिक में क्या होगा, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई. नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक में हो रहा है इंक्रीज इन सलाइवा सिक्रीशन. सिंपैथेटिक में क्या होगा, डिक्रीज इन सलाइवा सिक्रीशन. तीसरा पार्ट, इट कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकाई इन लंग्स. तो एसिटाइल कोलिन की वजह से ब्रोंकाई का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एड्रेनलिन की वजह से ब्रोंकाई का रिलैक्सेशन होता है. पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कॉजेस डिक्रीज इन हार्ट रेट. तो हार्ट का जो स्पीड था, जो बीटिंग था, वो कम हो जाता है. सिंपैथेटिक डिवीजन में वो एक्स्ट्रा हो जाता है. देन इट विल स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. एसिटाइल कोलिन आपके स्टमक और इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, लेकिन एड्रेनलिन क्या करेगा, उस एक्टिविटी को कम करता है. पैनक्रियास की एक्टिविटी से पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इंक्रीज कर देती है, लेकिन सिंपैथेटिक डिवीजन उसे कम कर देती है. पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट कर सकती है, लेकिन सिंपैथेटिक डिवीजन में एड्रेनलिन उसको डीएक्टिवेट कर देता है. देन यूरिनरी ब्लैडर, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से इंसान यूरिनेशन कर सकता है, लेकिन सिंपैथेटिक डिवीजन के केस में वो यूरिनेशन की प्रोसेस इनहिबिट कर सकता है. एंड लास्ट वन इज इरेक्शन ऑफ जेनिटालिया. ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में पॉसिबल है, सिंपैथेटिक डिवीजन में रिवर्स होता है. इट विल प्रमोट इजैकुलेशन एंड वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन. मतलब यहाँ पे सबसे लास्ट वाली एक्शन थोड़ी सी अलग है. पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या हो रहा है, इरेक्शन का प्रमोशन हो रहा है, इरेक्शन के जो फंक्शन है उनको एक्टिवेट किया जा रहा है. सिंपैथेटिक डिवीजन में इजैकुलेशन का फंक्शन होता है, जिसमें सीमन पेनाइल रीजन से बाहर आता है. एंड लास्ट वन इज वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन. तो आपको अगर पैरासिम्पैथेटिक वर्सेस सिंपैथेटिक, इसकी अगर फंक्शनल एनाटॉमी पूछे कि व्हाट इज द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन वर्सेस सिंपैथेटिक डिवीजन, तो इस चार्ट को आप एज इट इज लिख लो और इसको समझ लो कि किस तरह से एक फंक्शन एक सिस्टम में काम करता है तो दूसरे सिस्टम में इनहिबिट हो जाता है. लेकिन उसके साथ आप कुछ लाइंस देख रहे हो, लोकेशन ऑफ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ब्रेन स्टेम एंड सैक्रल. वो जो पैराग्राफ्स छोटे छोटे लिखे हैं, इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन है प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का क्या लोकेशन है, क्या फंक्शन है. उसको आपने नहीं किया तो भी चलेगा. फोकस किस पे रखना है, एक्शंस ऑन टारगेट ऑर्गन्स. तो यहाँ पे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड होता है. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते. नो क्वेरीज, ठीक है. मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ किसी को, उसके बाद हम मीटिंग एंड करते हैं. क्या हाल है सत्यव्रत? सॉरी, तुझा आवाज ब्रेक झाला आहे, मला ऐकून आलं. एक तर चॅट बॉक्स मध्ये टाइप कर, तुझा आवाज क्रॅक होऊन येतोय. सोच रहा हूँ सेमेस्टर का पेपर अगर सेटिंग मेरे पास आती है तो आपका पेपर थोड़ा टफ सेट करना, ताकि एटलीस्ट आप पढ़ाई तो स्टार्ट करोगे. यही अगर आपका एटीट्यूड अगले 3 लेक्चर के लिए रहा और एट द एंड ऑफ द चैप्टर रहा, तो मैं अभी ऑनलाइन लेक्चर में आपको बता रहा हूँ आपका पेपर सबसे डिफिकल्ट होगा. एचएपी का क्वेश्चन ही नहीं समझेगा तो आंसर क्या लिखोगे. तो अगर चाहते हो कि हमारे जैसे सेशंस इससे पहले हो रहे वैसे ही होने चाहिए,